को पता है आप जिस रेस्टोरेंट में पनीर खाने जाते हो अधिक संभावना है कि वो पनीर दूध से बना ही ना हो बल्कि वो महज यूरिया और मेलामीन नामक केमिकल का मिश्रण हो। या जिस शहद या अंडे को आप जिस शरीर के लिए सही विकल्प समझ कर खरीद रहे हैं उससे आपको कैंसर, डायरिया या आपकी मौत भी हो सकती है। इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि आज हम बात करेंगे ऐसे ही 5 भारतीय बाजारों में मिलने वाले नकली और जानलेवा फूड्स के बारे में जो शायद अनजाने में आप आज तक खा रहे होंगे। नंबर 5, पनीर। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किसी रेस्टोरेंट के स्टाफ को रेस्टोरेंट में आए पनीर पर शक होता है जिसके बाद वो पनीर के टुकड़े को खोलते हुए तेल में डाल देता है। पनीर को तेल से निकालने के बाद असली दिखने वाला पनीर लचीला और प्लास्टिक की तरह सिकुड़ जाता है। देखो इतना बड़ा पीस डाला था पनीर, ये देखो पूरा देख सकते हैं आप, पूरा ये ऐसा हो गया। ये घटना कोई नई नहीं है। इन पनीरों को यूरिया और मेलामीन नामक घातक केमिकल से बनाया जाता है। ये वही केमिकल है जिसके आपके घर की टाइल्स या प्लाईवुड बनी होती है। यही नहीं, ये लोग पनीर बनाने में सल्फ्यूरिक एसिड का भी इस्तेमाल करते हैं। ये वही एसिड है जिसकी कुछ बूंदे किसी के शरीर पर भी गिर जाए तो उसके शरीर को ये जला और पिघला सकती है। इस एसिड का असर आप एसिड अटैक से पीड़ित महिलाओं को देखकर लगा सकते हैं। US फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक सिर्फ इससे बने बर्तन पर ही खाने से आपको पथरी या आपकी किडनी खराब हो सकती है। तो इसे आपके खाने में मिलाकर आपको खिलाने से आपको क्या क्या हो सकता है आप सोच भी नहीं सकते। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश में ज़्यादातर रेस्टोरेंट्स और ढाबों में पनीर का इस्तेमाल किया जाता है। सोचने वाली बात यह है कि 1 किलो पनीर बनाने में 5 से 7 लीटर दूध चाहिए जिसके हिसाब से तकरीबन 300 रुपये हुए। तो 300 रुपये का जब दूध हुआ तो फिर इसके पनीर को भी इससे आधे दाम में कैसे बेच सकते हैं? आपके आसपास ठेले वाले दुकान वाले दिख जाएंगे जो आपको 1 किलो पनीर सिर्फ 150 से 200 रुपये में बेचते हैं। दूध से भी कम भाव में पनीर कैसे मिल सकता है? ऐसे ये वीडियो है बिहार के पटना जंक्शन के पास की, जहां नकली पनीर रद्दी के भाव में बेचा जाता है। यहां से ये पनीर किसी भी शादी या किसी के प्लेट तक जाएगा। जो देख रहे हैं ये नकली पनीर है, शायद आपको पता ना चले। कैसा लग रहा है? लेना नहीं है, वहाँ ले रहे हैं देख रहे हैं। ले जा, मतलब बढ़िया सामान ले जा। हाँ, बढ़िया है। कैसे है, कैसे? 160 के। इस वीडियो में भाई साहब जहर को भी अच्छी क्वालिटी बताकर बेचने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ आपको ये पनीर 80 रुपए किलो के भाव में भी मिल जाएगा जिसमें शायद दूध का इस्तेमाल ना के बराबर किया गया हो। ये लोग एक दिन में कई हजारों किलो नकली पनीर बेचते हैं और ऐसी जगह कई बड़े बड़े शहरों में हैं। बस चंद पैसों के लिए ये लोग जहर भी बेचने को तैयार हैं। आप अनजाने में ऐसी चीजें अपने परिवार को परोस देते हैं जो आपको धीरे धीरे मारने का काम करती है। नंबर 4, जूस और गोला। फल या फ्रूट इसे आप सेहत के लिए फायदेमंद मानते होंगे और इसलिए आप किसी मरीज या सेहत से कमजोर व्यक्ति को पीने का सुझाव भी देते हैं। मगर जरा रुक जाइए और जरा इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो है दिल्ली का। इसमें आप देख सकते हैं कि कैमरे के पीछे यह व्यक्ति कैसे कुछ जूस वाले फूड कलर और कुछ अनार के दानों को डालकर जूस तैयार करते हैं। वेरी सिंथेटिक फूड कलर, थोड़ा सा रंग लिया है, इसको इसके अंदर डालो, बन गया हमारा अनार का जूस। ये जो पतीला इस भाई ने ले रखा है, इस पतीले में ये रंग ऐसे घोलना है और इसमें थोड़ा सा अनार, ये 2-4 दाने पर लोगों को दिखाने के लिए जैसे दे पड़े हैं, बन गया भाई जूस, बन गया। बीमार आदमी को पिलाना है भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा लो जी, अच्छा यो गिलास है भाई 100 रुपये का। अच्छा, अरे यो गिलास है 60 रुपये का, यो गिलास है 100 रुपये का, लो भाई बहुत बढ़िया। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में बिकने वाले ज्यादातर लोकल जूस ये गोले वाले केमिकल फूड कलर या फैक्ट्री में बने बनावटी फूड फ्लेवर्स का इस्तेमाल करते हैं। आपको जूस में खट्टा, नारंगी या आम का स्वाद आता है। इसे फैक्ट्री में बनी सस्ती एसेंस से लाया जाता है जो सिनेमिक एसिड, मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल सिनेमेट जैसे खतरनाक केमिकल से बना होता है। यही नहीं, आपके जूस में कलर लाने के लिए फूड कलर का इस्तेमाल किया जाता है। आपको बता दें, नेचुरल फूड कलर जैसे लाल, जिसे कॉशनल नाम को कीड़े को पीस कर बनाया जाता है, मगर ये लोग इस कलर का भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये फैक्ट्री में बने फूड कलर इस्तेमाल करते हैं जो कीड़ों से बने कलर से भी सस्ती होती है। नंबर 3, फेक हनी। आपने रास्तों पर कई सारे मधुमक्खियों के छत्तों के साथ शहद बेचने वाले जरूर देखे होंगे। नहीं देखा तो अब देख लीजिए। इन लोगों को देखने पर पता चलेगा कि ये अभी अभी किसी मधुमक्खी के छत्ते को निकाल कर लाए हैं और उसकी पुष्टि शहद में चिपकी मधुमक्खी कर ही देती है। तो लगेगा कि ये तो एकदम असली शहद है और ये आपको मार्केट से 2 गुना ज्यादा भाव बताएंगे तो भी आप खुशी खुशी खरीद लेंगे।
मगर आप जरा रुक जाइएगा, भले ये शहद का छत्ता असली हो मगर अंदर के शहद असली तो छोड़ो, आपको एक खाने लायक भी नहीं है। इसमें ये लोग थोड़ा शहद, नींबू और शक्कर का इस्तेमाल करते हैं और नकली शहद बनाते हैं, जिसके बाद कहीं से असली छत्ते को तोड़ के चीनी के घोल में डाल दिया जाता है, जिससे आपको लगे तुरंत निकाला हुआ शहद है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे प्योर समझ के खरीदते हैं। कई बार विक्रेता इसमें फेविकोल या लकड़ी चमकाने वाले पॉलिश को चीनी में मिलाकर बेचता हुआ पकड़ा गया है। मगर ये तो हुई रास्तों पर मिलने वाले शहदों की बात, मगर हद तो तब हो गई जब फैक्ट्रियों में इंजन ऑयल से शहद बनाते हुए पकड़ा गया। ये वीडियो सऊदी अरब की है, जहां गाड़ियों के इंजन ऑयल को मशीन और केमिकल के द्वारा शहद में परिवर्तित किया गया है। ऐसे ये लोग असली बोतल में पैक कर पूरी दुनिया में निर्यात करते हैं, जिसे आप मॉल या दुकान पर प्योर डैक देखकर खरीद लेते हैं। मशीन के द्वारा इसे ऐसे बनाया जाता है कि ये किसी भी छोटी लैब से पास हो जाए। सिर्फ भारत में ही नहीं, ये अमेरिका और यूरोप में भी बिकते हुए पकड़ा गया है। नंबर 2, मीट एंड फेक एग। ये वीडियो चाइना का है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये व्यक्ति मीट को प्रक्रिया करने में पाउडर जैसा चीज का इस्तेमाल कर रहा है। इस पाउडर को ट्रांसग्लूटामेसी कहते हैं। ये लोग बचे मीट के टुकड़ों को इस एंजाइम की मदद से छिपाकर पूरी दुनिया में निर्यात करते हैं, जिसको खाने से आपको सीलियक या दीनक की बीमारी हो सकती है। बस यही नहीं, वहाँ चूहों को भी केमिकल की मदद से मीट बनाकर बेचा जाता है। आपको बता दें कि चूहे के मीट को खाने से सन 1346 से 1353 तक ब्यूबोनिक प्लेग बीमारी से 10 करोड़ लोग की मौत हुई थी। उस समय पूरी दुनिया की जनसंख्या सिर्फ 44 करोड़ थी, मतलब दुनिया के लगभग आधे लोग उस बीमारी के शिकार हो गए थे। किसी जानवर के मीट को किसी और जानवर के मीट से मिलाने पर किस बीमारी का जन्म हो जाए किसी को नहीं पता। अब चलिए हमारे देश के बारे में भी बात कर लें। आपने नकली अंडों के बारे में तो सुना ही होगा। इन अंडों को सोडियम एल्जिनेट नामक केमिकल, जिसे आपने पानी में फूलने वाले बॉल्स के रूप में देखा होगा, एल्यूम बेंजोइक नामक खतरनाक पदार्थ को मिलाकर बनाया जाता है, जिसके बाद अंडे के अंदर के भाग को कलर और कैल्शियम क्लोराइड से बनाते हैं। आसान भाषा में ये समझ लीजिए कि ये लोग ऐसी भी चीज़ों से अंडे बनाते हैं जिससे आपके घर बिल्डिंग बनाते वक्त कंक्रीट मिक्सिंग में किया जाता है। इन अंडों को खाने से ब्रेन डैमेज, लीवर की बीमारी या कैंसर तक हो सकता है। नंबर 1, नकली लॉबस्टर, झींगे, फिश या चिकन। लॉबस्टर जो एक समुद्री जीव है, जो ज़्यादातर आपको चाइनीज रेस्टोरेंट में मिल जाएगा, इसकी कीमत 1500 से 10000 से ज़्यादा रुपए होती है और ये ज़्यादातर चीन से पूरी दुनिया में निर्यात किया जाता है। मगर इनकी बढ़ती डिमांड की वजह से चीन के विक्रेता छोटे केकड़ों और इनके जैसे दिखने वाले जीवों में इंजेक्शन लगाकर बड़ा करते हैं, जिसके बाद खतरनाक कलर व केमिकल से लॉबस्टर जैसा बनाया जाता है। अगर आप शाकाहारी हैं फिर भी आपने झींगे का नाम तो सुना ही होगा। इसे भी इंजेक्शन लगाकर इसका वजन बढ़ाया जाता है और यही कारण है कि चिकन जैसे सस्ते मीट को महंगे मीटों पर परिवर्तित करके बेचा जाता है। अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।